लालू नीतीश ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। मीटिंग के बाद बोले, अब हम सब मिलकर देश से बीजेपी को भगाएंगे। विपक्षी एकता को धार देने की मुहिम में एक कड़ी और जुड़ गई है। सालों बाद रविवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साथ कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि हम दोनों साथ साथ मैडम से मिले हैं, अब हम साथ मिलकर बीजेपी को देश से भगाएंगे। भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, इसलिए सबको इकट्ठा होना है। जिस तरह से बिहार में हम लोग इकट्ठा करके भाजपा को विदा किया है, इसका रेस्पॉन्स पूरे देश में है। दोनों नेताओं ने कहा कि हमने सोनिया जी से आग्रह किया है कि आप सबको एक साथ बुलाएं, जिस पर मैडम ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद ही हम आप सबसे एक साथ मिलेंगे और बात करेंगे। बता दें कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई है। इसके अलावा अरसे बाद लालू प्रसाद यादव भी 10 जनपद पहुंचे थे। नीतीश लालू ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी ने कईयों को जेल में बंद करने का काम किया है। देश में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी चरम पर है। नीतीश ने कहा कि हम दोनों ने एक साथ बैठकर मैडम सोनिया गांधी से बात की है, अब हमें मिलकर देश के लिए काम करना है। दोनों लोग एक साथ बैठ करके मैडम से बातचीत किए हैं, तो आप लोग जानते ही है ना कि हम लोगों का विचार है कि देश में अनेक दलों को एकजुट होना है और मिलकर के देश के लिए आगे काम करना है, इसकी प्रगति के लिए काम करना है, तो इन सब चीजों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। इससे पहले नीतीश कुमार ने कांग्रेस और वामपंथी दलों सहित सभी विपक्षी दलों को भाजपा से मुकाबला करने के लिए एकजुट करने का आह्वान किया और कहा कि ये विपक्ष का मुख्य मोर्चा सुनिश्चित करेगा कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार जाए। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।